कहाँ सुनाई कुछ अनसुना। तो क्या हमें इस साल हाउसफुल 5 देखने को मिलेगी और क्या कंसेप्ट होगा इस फिल्म का और क्या होगी इस फिल्म की स्टार कास्ट? अगर यही सब सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक सुपर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की, जिसमें अब तक कुल 4 इंस्टॉलमेंट्स आ चुकी है मूवीज की और सबकी सब सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर्स रही है। ऑडियंस को ये मूवीज काफी पसंद आई है। हम बात कर रहे हैं साजिद नाडेडवाल की कॉमेडी फ्रेंचाइज हाउसफुल की। जी हाँ दोस्तों, साजिद नाडेडवाल की हाउसफुल फ्रेंचाइज के तो हम सब दीवाने हैं ही, और इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि इस मूवी की 5वीं इंस्टॉलमेंट यानी कि हाउसफुल 5 पूरे जोरों शोरों से तैयारी में है। हाउसफुल फ्रेंचाइज की मूवीज मनोरंजन से भरपूर होती है और उनका कंसेप्ट भी बेहद शानदार होता है। वहाँ जहाँ हाउसफुल में अक्षय और दीपिका पादुकोण के कपल के साथ होने में जो मुश्किलें हुई उसका एक मजेदार अंदाज देखने को मिला, तो वहीं हाउसफुल 2 में 2 अलग अलग कपल्स की कॉमेडी देखने को मिली और हाउसफुल 3 में 3 कपल्स की कॉमेडी स्टोरीज का तड़का लगा, और वहीं हाउसफुल 4 में 4 कपल्स की बहुत ही शानदार कॉमेडी देखने को मिली। सो इसी के चलते अब हाउसफुल 5 भी आने वाली है, तो साजिद नाडेडवाल ने हमें 5 अलग अलग लव स्टोरीज की पेशकश दिखाने का फैसला कर ही लिया होगा। हाउसफुल 5 की स्टारकास्ट की बात करें तो साजिद ने इस फ्रेंचाइजी की सभी मूवी से इस मूवी की स्टारकास्ट तैयार करने का फैसला लिया है, यानी कि हाउसफुल 5 के कपल्स में अगर पहले लड़कों की बात करें तो हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख तो हमें जरूर मिलने वाले हैं, जो कि सभी हाउसफुल्स का हिस्सा रहे हैं। उनके साथ ही साथ जॉन अब्राहम, जो कि हमें हाउसफुल 2 में देखने को मिले थे, उन्हें भी अप्रोच किया गया है, और अभिषेक बच्चन जिन्हें देखा गया था हाउसफुल 3 में, और बॉबी देओल जिन्हें देखा गया था हाउसफुल 4 में, उन दोनों को भी हाउसफुल 5 की कास्ट के लिए अप्रोच किया गया है। तो ये तो बात हो गई हमारे हीरोज की, अब बात करते हैं हमारी हीरोइंस की। तो पहली हीरोइन है हाउसफुल मूवी की लीड हीरोइन दीपिका पादुकोण, अगली है हाउसफुल 2 और 3 में दिखी जैकलीन फर्नांडिस, और हाउसफुल 4 की लीड हीरोइंस कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खाबरनामा। खैर ये सब तो होगी हमारी कास्ट की बात, अब देखते हैं ये सभी इन सभी को मूवी के लिए अप्रोच किया गया है, देखते हैं कि अब ये सब हाँ करती हैं या नहीं, और ये सब जोड़ियां हमें किस तरह एंटरटेन करती हैं। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपका इस फिल्म के बारे में क्या विचार है। चलिए अब खत्म करते हैं ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।